जैन साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कल जो है एचपी पुलिस ने पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप इस भर्ती के लिए अंडर एज तो नहीं हैं, क्या आप इस भर्ती के लिए ओवर एज तो नहीं हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो होने वाला है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यदि आप पुलिस भर्ती की दौड़ने वाले हैं या पुलिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, और नोटिफिकेशन में भी आपने देखी होगी कि जो क्राइटेरिया, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल के लिए आज से पहले जो एज होती थी वो 18 से लेकर 23 वर्ष की होती थी, और जो रिजर्व कैटेगरी थी उनके लिए जो एज रखी जाती थी वो आपकी 18 से लेकर 25 वर्ष तक की होती थी। लेकिन कोरोना के दौरान जो है भर्ती नियमों में संशोधन कर जो है सरकार ने क्या किया कि जो 23 वर्ष की जो मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती थी उसको बढ़ा के 25 वर्ष कर दिया है, और जो रिजर्व कैटेगरी की जो एज 18 से 25 तक होती थी उसे 18 से 27 तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर मेरी एज इतनी है, मैं अभी 18 का होने वाला हूँ, या मैं 18 का हो चुका हूँ, या मैं 25 का इसी महीने हुआ हूँ या अगले महीने होने वाला हूँ, तो क्या मैं इस भर्ती में एलिजिबल हूँ, क्या मैं इस भर्ती में भाग ले पाऊँगा, क्या मेरा फॉर्म फिलअप हो पाएगा या नहीं। तो आज हम इसी डाउट को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, ये जो हमारे फॉर्म भरे जाने हैं वो 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक भरे जाने हैं। तो यदि मैं बात करूँ 31 अक्टूबर 2021 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लास्ट डेट जो हमारे फॉर्म फिलअप करने की है वही डेट आपको दे के रखी है। किस चीज़ के लिए? जो आपकी अपर एंड लोअर एज, जिसको हम कह सकते हैं कि जिससे आप अपनी लोअर एज और अपर एज, या है ना, मिनिमम और मैक्सिमम एज का आप आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं कि क्या आप भर्ती से एलिजिबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने ध्यान देना है 31 अक्टूबर 2021 यानी कि जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, यदि आप उससे पहले की अगर मैं बात करूं, यदि आप उससे पहले 18 वर्ष की अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जैसे यहां पर 31 अक्टूबर है, मान लो आप 30 अक्टूबर को 18 साल के हो गए हैं, मान लो आप इससे पहले कभी भी किसी भी डेट में 18 वर्ष के हो गए हैं, तो आप भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम एज जो है उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यदि आप, यहां पर मैं बात करूं, यदि आप 31 अक्टूबर के बाद यानी कि 1 नवंबर 2 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आप 18 वर्ष के होने वाले थे, इसके बाद यदि आपने 18 वर्ष के होना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भर्ती से अंडर एज रह गए हैं, मतलब आप भर्ती से पूरी तरह से अंडर एज हैं, आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आप भर्ती में एलिजिबल हैं या नहीं है। अभी बात करते हैं अपर एज की, या जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम एज। तो देखें, मैक्सिमम एज में क्या है कि सेम वही बात है, लेकिन ये उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यदि आप 31 अक्टूबर 2021 से पहले आप जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ 25 वर्ष, और यदि मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ 27 वर्ष के हो चुके हैं, मैं कब से, 31 अक्टूबर 2021 से पहले यदि आप 25 वर्ष के हो चुके हैं, मान लो आपका बर्थडे 30 अक्टूबर 2021 को जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपका 25वां जो बर्थडे हो गया, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 27 वर्ष के हो गए 31 अक्टूबर से पहले, वो डेट कुछ भी हो सकती है, तो आप इस भर्ती में पूरी तरह से ओवरेज हो जाएंगे और इस भर्ती में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप जो है भर्ती का जो एज का जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप 31 अक्टूबर 2021 के बाद कितने वर्ष के हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी का 25 वर्ष का हो रहा है, कब भाई, 31 अक्टूबर के बाद, और मान लो 1 नवंबर को ही 25 वर्ष का हो रहा है और जनरल कैटेगरी से है, तो भर्ती में एलिजिबल है। और साथ ही साथ यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और 27 जो ईयर, जो 27वां जो आपका जन्मदिन है वो आप 31 अक्टूबर के बाद होने वाला है आपका, तो इसका मतलब ये है कि आप भर्ती में पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो ये जो एज क्राइटेरिया है वो हमारी उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग था। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पे
डाउट क्लियर करवाया। ये बहुत ही लोगों का ये डाउट था कि क्या मैं भर्ती में एलिजिबल हूँ, और मैक्सिमम उन लोगों का डाउट है जो या तो 18 वर्ष के हाल ही में हुए हैं या होने वाले हैं, या जो 25 वर्ष के हाल ही में हुए हैं या होने वाले हैं, तो उनके ये डाउट थे कि क्या वो इस भर्ती में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।